बलरामपुर में बाढ़ के हालात गंभीर हैं। कच्चे तो क्या, पक्के मकान तक पानी में डूब गए हैं। एक तरफ लोग छतों पे चढ़े राह तकते हैं मदद की कि कब उन तक पहुंचे, पर प्रशासन की मदद यहां पहुंचती नजर फिलहाल नहीं आती है। गांव वाले जरूर कुछ मदद करने पहुंचते हैं पर शायद उतना इनके लिए काफी नहीं हो पाए, क्योंकि पिछले 8-9 दिन से बलरामपुर बाढ़ झेल रहा है। तमाम परिवार यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने भी की, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ मिट्टी की सतह है पूरी, आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। क्या नाम है आपका? संगीता। क्या परेशानी हो रही? पूरा भरा है यहाँ, पूरा पानी सब भरा हुआ है और जमीन धस रहा है। कब से है? अरे लगभग हो जा रहा है, एक हफ्ता से ऊपर। तो खाना कैसे बन रहा है घर पे? खाना छत पे बना रहे हैं। राशन वगैरह है पर्याप्त? राशन वगैरह मतलब जो सब्जी वब्जी है नहीं था, और ना से लेके आए थे। लेने जाते हैं इसी पानी से होते हुए? हाँ, इसी पानी। कहाँ तक जाना पड़ता है? महुआ। यहाँ कोई देने नहीं आता है? नहीं, यहाँ सब्जी कोई देने नहीं आता था। पूरी सब्जी बटा था, मतलब घर में ज्यादा परिवार है तो एक पन्नी बार में खत्म हो गया। हाँ, उतने से क्या। अच्छा, इतना बाढ़ पानी अब देखती है बाहर छत से नीचे, तो आपको क्या मतलब ये बाढ़ देख के और डर भी लगता है कि छत वत भी न गिर जाए? और बच्चे रोते हैं क्या? बच्चे डरते नहीं? बच्चे डरते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि डर लगता है देख के। और क्या समस्याएं? देखिए बहुत मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि हमारे लिए भी क्या समस्याएं आप लोग को हो रही है? अब भैया देखो तो बच्चे भूखे मर रहे हैं, खाना खाए खाए नहीं, इतना परेशानी है। मजबूर ज्यादा मने मजबूर लगता है, नहीं कहूँ कहाँ जावा जा कर आए, बहुत परेशानी है। मजबूरी मुझे कौन लागत है, छोटे छोटे मुन्ने घर में हैं, बच्चे हैं, सब भूखा है। इतने दिन चाय पूरे दे दिए, तो दिन चाय पूरे दिए खुराक खाना बच्चे पे घात है, कोई नहीं घात है। या पलट दे दिन चाय पूरे दे दिन, तो बच्चे ना घात है ना, तब 10 परानी है, छोटे छोटे मुन्ने हैं मेरे के हैं, तो कहाँ। और यूपी के एक डीएम तो कह रहे हैं कि हम जोमेटो की सर्विस नहीं चला रहे, घर आके खाना क्यों। एक प्लेटा दिए तो प्लेटा में का हुए, चाय पूरी दे दी, थोड़ा सब्जी रख दी। जोमेटो स्विगी जानती है? नहीं, खाई भी देखो ना बच्चे मारे कुल है, तो कहो सब पले हाजिर कह दी, छत पर सब बांटे घर में छोटे छोटे बच्चे। आप देखिए, आइए बताइए क्या कह रहे हैं। पानी नहीं भरा बाट है, समस्या बाट है, रह ठिकाना ना है, छत पे खाना बनत बाट है, कहाँ इतने इतने बच्चे कहाँ लेके जावा जाए। मजूर को लगता है ना है, मजूर मेहनत घर में खाए खाई नहीं, रात गल्ला पानी है ये नहीं है। डर नहीं लगता था पानी? इतना पानी देकर डर लगा था बच्चों को, सबको डर लगा था, हमें डर लगा था पानी का, कहाँ जावा जाए, खाए नहीं है घर में, खाना है ये नहीं, पैसा कौड़ी का खावा जाए, बच्चे भूखन मर रहे हैं, कहाँ से आवा। मजूदार हम मनाई, आंखों में मैं आंसू देख पा रहा हूँ। हाँ, बहुत मजबूरी है मेरे पास है, नहीं खाना खाए खाए बच्चे भूखा, तो मेरे दिल दुखत नहीं है, प्रभावती नाव है, रुपया घर में नहीं है, कोठू नहीं है, संभालिए अपने आप को। तब मेरे क्या सुनाई आई, इतना घर खाली है, पानी हल जाए, बच्चे कहाँ जाये, कहाँ भाग के जावा जाये, मेरे इतना मजबूरी है। और तो कुछ लोग घर काम धाले रखते नहीं है, घर छोड़ छोड़ दूसरे के घर में रह रहे हैं ये लोग, अपना घर छोड़ के दूसरे के रहते हैं। तो देख सकते हैं आप बलरामपुर का मंजर क्या है, जहां आप देखेंगे कोई सिलेंडर को खींच कर बांध कर ले जा रहा है, ये नौबत आ चली है। एक तरफ जहां देश में उज्ज्वला के नाम पर फ्री सिलेंडर बांटे जाते हैं, पर जब बाढ़ आती है तो शायद उनके ठिकाने व उनको रखने की जगह हो ही नहीं पाती, क्योंकि घर के घर डूब जाते हैं और मजबूरी में पड़ जाते हैं ऐसे गांव वाले और ऐसे किसान, जो ढो कर ले जाते हैं अपने कंधों पर, चाहे सिलेंडर हो और चाहे पूरी की पूरी गृहस्थी। फिलहाल राप्ती नदी का पानी खतरे के निशान से 600 सेंटीमीटर ऊपर है। आने वाले दिन मानसून खत्म है, पर ये बाढ़ जाते जाते भी कितनी बीमारियां दे जाएगी, ये चर्चा का विषय है। सहयोगी सुजीत और कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बलरामपुर आज तक।